बिहार के पत्रकार राजदेव रंजन हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाते हुए सभी 6 आरोपियों को जमानत देने से साफ इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश देते हुए 3 और अहम आदेश जारी किए हैं। अपने आदेश में कोर्ट ने सीबीआई को 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने को कहा है। दूसरा आदेश है कि सिवान के सेशन जज सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल कर बताएं कि शहाबुद्दीन और तेज प्रताप को समारोह में बुके देने वाले फोटो के वक्त आरोपी मोहम्मद कैफ और मोहम्मद जावेद को क्या भगोड़ा घोषित किया गया था या गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। और तीसरे आदेश में सीबीआई को स्टेटस रिपोर्ट को दाखिल करने को कहा गया है। बिहार सरकार ने शहाबुद्दीन और तेज प्रताप का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट में कहा कि जब आरोपी की फोटो दोनों के साथ आई तब आरोपी के खिलाफ कोई गैर जमानती वारंट नहीं था। वहीं तेज प्रताप और शहाबुद्दीन ने कहा है कि वह एक पब्लिक समारोह में आरोपियों से मिले थे और यह सब अचानक हुआ था। वहीं अब मामले की अगली सुनवाई 28 नवंबर को होगी। बिहार के सियासत में भूचाल ला चुके राजदेव रंजन हत्याकांड को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है। पिछले दिनों आरोपी मोहम्मद कैफ की तस्वीरें शहाबुद्दीन और तेज प्रताप के साथ सामने आई थी, जिसके बाद सियासत गर्मा गई थी। देखते रहिए टीवी लाइव।